महर्षि व्यासदेव जी प्रणीत महाभारत अंतर्गत भीष्म पर्व में 23वां अध्याय से लेकर के 40वां अध्याय तक के ग्रंथ भाग को श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय पर हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ये प्रतिज्ञा करते हैं, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। तो क्षेत्रज्ञं भी है बोल दिया, अब फिर जो है वो क्षेत्र तत्क्षेत्र जत्र जात्रिक जत विकारी जत सजत सच जो जत प्रभावस्य तत्समासेन मे सुनो। ये कौन सा श्लोक है? कौन त्रयोदश अध्याय का ही हम तीसरे चौथा श्लोक देखिए। तत्क्षेत्र जत्र जात्रिक जद विकारी जतस्य जत सच योजत प्रभावस्य तत्समासेन मे सुनो। ये त्रयोदश अध्याय में भगवान क्या कहना चाहते हैं, तीसरा श्लोक देखिए, तीसरा या चौथा? हाँ, क्या है वो? तत्क्षेत्रम तत्क्षेत्र जत्र जात्रिक जत विकारी जतस्य जत सच यो सच जो जत प्रभावस्य तत्समासेन मे सुनो। तो जैसे कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहते हैं तो पहले प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ये बोलेंगे आपको। तो क्षेत्र कैसा है तो पहले बोला क्षेत्र क्या है, क्षेत्र का वो देखिए हम जात्रिक वो किस प्रकार के धर्म वाला है वो भी बताया। फिर जो है वो क्षेत्र के अंदर ये आता है कौन, हमारे तो अदम विद्य शब्द आप जानते हैं। जत विकारी जत से जत क्षेत्र किसका विकार है, पूरा क्षेत्र कहाँ से आता है और वो जहाँ से जतस्य जिससे आता है जिस कौन किसका विकार है ये सब बताने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो एक एक करके कथन करते करते पहले जो है कि ज्ञान को अमानित्व आदि 20 गुणों के द्वारा ज्ञान के साधन को बताया, फिर उस ज्ञान के द्वारा जिसको जाना जाता है ज्ञेय तत्व को बताया कि अनादिमत परम ब्रह्म न सत्यम न सर्वोच्चते। ये कथन करने के बाद उसका असत्य से भिन्न है कहने से लगता है कि वो वस्तु है ही नहीं, परंतु यहाँ पे वो वस्तु है उसको दिखाने के लिए उनके बारे में वर्णन करने लगते हैं। वर्णन के अंतिम श्लोक है 17।
तेरह से तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह छह श्लोक जो है उस पुरुष तत्व के वर्णन करके आया हुआ है। आप बाद में जिसको प्रसंग करते हैं तो यहाँ पे कल हम लोग 17 नंबर श्लोक पढ़ रहे थे है ना, कि वो जड़ नहीं है। ठीक है, आपने जब उस तत्व को ब्रह्म को जगत के उपादान कारण के रूप में निरूपण किया तब शंका यह होती है कि उपादान कारण हमेशा जड़ होते हैं और परिच्छिन्न भी होते हैं। उपादान कारण कहीं भी आप देखेंगे जड़ और परिच्छिन्न, परंतु यहाँ पे इस जड़ तो शंका को निराकरण करने के लिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक को कहते हैं। पहला लाइन तो हो गया था, फिर हम श्लोक को सब मिल के एक बार पढ़ेंगे, श्लोक को एक साथ पढ़ेंगे। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमशः स्मरमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं सर्वस्य विश्चितम्। वो जो है वो परम तत्व जो है सूर्यादि जो सबका प्रकाशक है वो उसका भी प्रकाशक है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति, समस्त ज्योतियों का वो ज्योति है। और तमश परमोच्चते, जड़ के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, उसके परे है वो। फिर आया था वही ज्ञान रूप भी है और वही जानने योग्य भी है और ज्ञान गम्य मतलब इस प्रकार साधन के द्वारा उसको जाना जाता है। तो जब इसको जाना जाता है तो शायद देशांतर में जाके प्राप्त करेंगे, कलात तो बोलते नहीं नहीं वो अपने हृदय देश में विद्यमान है, बाहर कहीं नहीं है। तो कल हम लोग देखिए यहाँ तक पढ़ लिए थे आदित्य वर्णम तमस्व परस्ताद इति श्रुतेश्च, ठीक है ना। अब दूसरा जगह पर श्रुति आपको ऐसा मिलते हैं कि वो सूर्य से भी परे है और अंधेरा से परे है। आदित्य वर्णम इति मतलब इसका अभिप्राय अर्थ क्या है, स्वभाने प्रकाशांतर अनपेक्षम सर्वस्व प्रकाश का विधि अर्थ। इस पंक्ति को हमने पढ़ लिए थे, कल यहाँ तक पढ़ लिए थे। अपने प्रकाश में अपने को समझने में वो दूसरा किसी की अपेक्षा नहीं रखता, अपने को प्रकाशित करने के लिए दूसरे किसी भी प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखता। चक्षु को रूप को प्रकाश करने के लिए दूसरे प्रकाश की अपेक्षा होती है कि नहीं होती है, हाँ। परंतु सूर्य को अपने को प्रकाश करने के लिए दूसरे प्रकाश की अपेक्षा रखते हैं, नहीं रखते हैं। सूर्य रखते हैं तो अपना प्रकाश रखते हैं, आत्मा प्रकाश को अपने विषय रूप में जब अपने को दिखाते हैं तो वो क्या होता है, आदित्यम वर्ण मतलब स्वभाने अपने प्रकाश में प्रकाश अंतर अनपेक्षा दूसरे किसी प्रकाश की अपेक्षा। जो आप जो बोल रहे हैं वो भी जब आप सूर्य प्रकाश को जड़ रूप में देखेंगे उसको प्रकाश करने के लिए तो आत्म प्रकाश चाहिए। इसलिए सर्वोच्च प्रकाश कम इति अर्थ यस्मा तब स्वयं ज्योति, क्योंकि वो प्रकाश स्वयं प्रकाश है ना, दूसरा किसी प्रकाश का अपेक्षा नहीं रखता। जड़ असंस्पृष्टम और जड़ के साथ इसका कोई संबंध भी नहीं है, अपने स्वयं प्रकाश है और जड़ के साथ इसका कोई संस्पृष्ट नहीं है, मतलब जुड़ा हुआ संबंध नहीं है। अतएव इसीलिए तच ज्ञानम, इसीलिए बोले अब सेकेंड लाइन का अर्थ कर रहे, फर्स्ट लाइन हो गया था वहाँ पे ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, तो यहाँ पे ज्ञान साथ ज्ञान भी ज्ञान क्या वस्तु है। प्रमाण जन्य चेत वृत्ति अभिव्यक्त संवित रूपम, मतलब क्या हो गया, किसी प्रमाण के द्वारा आपके पास प्रमाण क्या है, प्रमाण जो है सामान्य रूप से तो बाह्य प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान हमारे गुप्तीय प्रमाण है। अरे प्रत्यक्ष के कोटि में हमारे पास पांच प्रमाण है, चक्षु प्रमाण श्रोत्र प्रमाण है ना, फिर जो है घ्राण प्रमाण। किसी भी प्रमाण के द्वारा आपने देखा है ना, इस प्रमाण चाहे आप अनुमान प्रमाण के द्वारा भी देखेंगे, कुछ देखा आपने उसके द्वारा कुछ अनुमान करेंगे, फिर अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण सीधा सीधा आपने शब्द स्पर्श रूप प्रसंग को आपने अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया। इस प्रकार प्रमाण से प्रमाण जन्य जो चित्त वृत्ति होते हैं, मतलब वेदांत श्रवणादि रूप शब्द प्रमाण से प्रमाण जन्य वेदांत प्रमाण जन्य चित्त वृत्ति वेदांत श्रवणादि से अथवा दूसरे किसी भी श्रवण से जो हमने बोला शेव, तो ऐसे शब्द को सुन करके आपके मन में कुछ वृत्ति उठती है ना, ये जो वृत्ति उठते बोलते प्रमाण जन्य चेत वृत्ति, कोई प्रमाणिक व्यक्ति से संबंध शब्द प्रमाण से उस दृश्य कोई वस्तु को देख करके आपका मन में कुछ वृत्ति उठती है, उस वृत्ति
में अभिव्यक्त होता है, उस वृत्ति में अभिव्यक्त होता है जो चेतन, जो संवित, जो बोध, उसका हम यहाँ पे ज्ञान शब्द के द्वारा बोल रहे हैं, ज्ञान। इसीलिए मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक बोध के साथ, प्रत्येक बोध के साथ जो भी कुछ बोध हुआ वहाँ पे उस बोध जिससे प्रकाशित, जिस चेतन से प्रकाशित हो रहा है वो भी प्रकाशित हो रहा है। नहीं तो मैंने ये समझा, ये आपको समझ में नहीं आता यदि मतलब साक्षी का प्रकाश के द्वारा प्रकाशित नहीं हो रहा। हमारे मन में कोई भी वृत्ति उठी आपको कैसे समझ में आएगा, आत्मा का प्रकाश वहाँ पे है, यहाँ वो उस आत्मा के प्रकाश से वृत्ति प्रकाशित हुई। अब इस वृत्ति को जो आपने समझा है ना, आप किसी भी शब्दों के देखने के बाद अथवा शब्द सुनने के बाद अथवा रूप देखने के बाद अथवा सुनने के बाद जो भी प्रमाण से उत्पन्न हुआ जो मनोवृत्ति, उस मनोवृत्ति में प्रकाशित होता है जो चेतन, उसी को ज्ञान बोलते हैं। इसी पे बोलते हैं प्रमाण जन्य चेत वृत्ति है ना, प्रमाण से उत्पन्न हुआ जो चित्त वृत्ति, उस वृत्ति में अभिव्यक्त हो रहा है। अभिव्यक्त वृत्ति अभिव्यक्त संवित रूपम, संवित मतलब जो ज्ञान, वो भी एक ज्ञान है, उसी को ज्ञान शब्द, संवित मतलब बोध, उस बोध को यहाँ पे ज्ञान शब्दों के द्वारा कहा जा रहा है। और वही मतलब वृत्ति को नहीं बोल रही है, जिस प्रकाश के कारण उस वृत्ति को आपको समझ में आ रहा है, वो वृत्ति को आपको समझ में आ रहा है वो हो गया ज्ञान। और वही जानने योग्य वस्तु है, वही संसार में वही ज्ञान समझने योग्य, घटपट को नहीं बोल रहे हैं, घट ज्ञान पट ज्ञान जिसके कारण से आपको समझ में आता है कि मैं घट को जाना, मैं पट को जाना, वो जो वृत्ति है, वो जो प्रकाश है, वो प्रकाश हो गया ज्ञान। इसलिए बोलते हैं प्रमाण जन्य प्रमाण इंद्रियों के, इसके द्वारा आपने देखा कि ये एक पेड़ है। अच्छा ये पेड़ है, यहाँ तक तो इंद्रिय और बुद्धि का, परंतु इस पेड़ को मैंने जाना, ये जो हमारे अंदर समझ आया कि पेड़ को मैंने जाना, ये आपने समझा कि पेड़ को मैंने, ये जिसके रहने के कारण आप समझ पाते हैं वो अभी वो हो गया चेतन, हो गया ज्ञान, वो हो गया यथार्थ ज्ञान। इसको बोलते हैं प्रमाण जन्य चेतन वृत्ति अभिव्यक्ति संवित रूपम है ना, जस्मत् स्वयं ज्योति जड़ संस्पृष्टम अतएव तत् ज्ञानम, वही ज्ञान रूप। ज्ञान क्या है, प्रमाण जन्य चेतन वृत्ति अभिव्यक्त संवित रूपम। जैसे एक के कारण मैं जान रहा हूँ और एक है उसके द्वारा जान रहा हूँ, जैसे जैसे मैं हूँ मेरे कारण मैं ये देख पा रहा हूँ, तो देखना एक मैंने कारण मैंने द्वारा हो रहा है, तो ज्ञान जिसके द्वारा देखा हाँ वो हो गया करण, करण हाँ करण को ज्ञान, चेतन चेतन तो समझ रहा है हाँ, और ज्ञान से तो हो रहा है, ज्ञान से हो रहा है, मतलब ज्ञान से मैं उसको समझ रहा हूँ। क्या समझ रहे हैं, ज्ञान ने ज्ञान के कारण है एक, तो ज्ञान क्या कर रहा हूँ, ज्ञान के द्वारा है ये पेन है ये समझ रहा हूँ, जो जिस हाँ। जिस माने कारण से वो है ज्ञान ना, वो है बुद्धि, वो बुद्धि, वो बुद्धि निश्चय कर रहे हैं, वो बुद्धि हाँ बुद्धि, ये बुद्धि का फंक्शन है हाँ। ये क्या है, ये मनोवृत्ति है, और मनोवृत्ति उठते ही जब इंद्रियो जा करके वो चित्त वृत्ति में प्रतिफलित होता है, जन्मांतरीय संस्कार से पूर्व संस्कार से चित्त वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है ये पेन है, तो बुद्धि निश्चय करती है ये पेन है, ये पेन है, ये मैं अब जो है ये पेन है ये मैं जाना, ये जो जानना हुआ मतलब ये ज्ञान है, ये ज्ञान ना जानना हुआ ना ना ना, वो ज्ञान भी बुद्धि के ज्ञान है, परंतु वो जो मैंने जिसके रहने के कारण मैं ये समझ पाता हूँ कि मैं ये जाना, वो संवित, वो शुद्ध आत्मा है, वो चेतन है, वो विषय रूप में देख नहीं पाएंगे आप, वो चेतन को ज्ञान बोलूंगा क्या, चेतन को ज्ञान नहीं, चेतन को ना वो जो ज्ञान, जो ज्ञान तो चेतन ही है, जिस आप यहाँ पे ज्ञान शब्दों से क्या बोलते हैं, चेतन कॉन्शियस के बिना तो ज्ञान कभी होगा ही नहीं, 100% है, परंतु ज्ञान से आप समझेंगे क्या, क्योंकि वहाँ पे हमारा सत और चित और तीनों है वहाँ पे, तो आपको जिसके रहने के कारण इस वस्तु को मैं समझा, जिसके रह वो समझ तो बुद्धि वृत्ति में हो रहा है, परंतु जिसके रह, क्योंकि बुद्धि अपने आप अपने को विषय नहीं कर सकते हैं, बुद्धि अपने आप अपने को विषय नहीं कर सकता है, परंतु मेरे को बुद्धि निश्चय में हो रहा है कि मैं इसको समझा, तो जिसके रहने के कारण वो जो बुद्धि वृत्ति प्रकाशित हो रहा है वो प्रकाश में अभी ज्ञान शब्द द्वारा कहा जा रहा है। अच्छा चेतन, चेतन तो वो तो चेतन तो पूरा शरीर में व्याप्त है, आप चेतन रहने के कारण ही बुद्धि ऐसा समझ पा रहे हैं, मतलब चेतन रहने के कारण ही ज्ञान भी होगा, चेतन के कारण जो ज्ञान होगा वो बौद्धिक है, और चेतन स्वयं ज्ञान स्वरूप है,
जो जिस ज्ञान से ये चेतन स्वयं जो ज्ञान स्वरूप है और उस ज्ञान स्वरूप चेतन के कारण बौद्धिक ज्ञान होता है जिसको मैं समझता हूँ कि ये भी हमने जाना ये हमने समझा वो, परंतु जिसके रहने के कारण उसको नहीं समझ पा रहा हूँ वो उसको यथार्थ ज्ञान बोल वो उसको हमें ज्ञान शब्द के द्वारा कह जा रहा वो तो स्वरूप है उसको रहने के कारण उसको वो बुद्धि वृत्ति के इसीलिए केवल उपनिषद में आता है प्रतिबोधम विदितम मतम अमृतत्म ही विन्दते प्रत्येक बोध के साथ बोध स्वरूप आत्मा का भी बोध हो ही रहा है आपको क्योंकि वो चेतन का प्रकाश के बिना कोई भी बोध आपको समझ में नहीं आता क्योंकि उसी के प्रकाश से वो जो बुद्धि वृत्ति उठती है ना मैंने ये समझा उसके प्रकाश के कारण आपको समझ पाते हैं तो उसकी उस बुद्धि वृत्ति के मैंने ये समझा इस जिसके रहने के कारण क्योंकि बुद्धि अपने आप अपने को विषय नहीं कर सकता तो जिसके रहने के कारण ये वस्तु हमको समझ में आ रहा है वो हो गया प्रतिबोधम विदितम मतम वो आत्मा है। अभी इसको क्या हम लक्षण बुद्धि लक्षण वृत्ति भी नहीं बोलेंगे इसी को सीधा शब्द लिखा प्रमाण जन्य चेत वृत्ति अभिव्यक्त लक्षण तो क्या हो जाएगा कि शक्ति वृत्ति से जो अर्थ आता है उसके साथ संबंध रख करके है ना लक्षण तो हम बोलते हैं कि भाग तक लक्षण के द्वारा हम उसको जानते हैं यहाँ पे ज्ञान शब्दों के द्वारा उस शब्द को लक्षण को नहीं बोल रहा सीधा सीधा समझने का कोशिश करिए सीधा समझ मतलब कि प्रमाण जन्य इंद्रिय प्रमाण है प्रमाण जन्य से जो वस्तु का ज्ञान होता है उससे जो चित्त की वृत्ति होती है यानी मैं ये जाना उस वृत्ति में अभिव्यक्त जो चेतन तत्व है वही संबित है। अभी समझ जैसे स्वरूप जो होता है तो स्वरूप स्वरूप को कैसे समझेंगे क्योंकि वही तो स्वरूप है नहीं समझेंगे उसको कौन बोल रहे समझेंगे उस स्वरूप का समझेंगे विषय रूप में कौन बोला हाँ वो तो समझ नहीं पाएगा वो तो विषय रूप में नहीं समझ में आएगा परंतु मैं हुई तो समझ में आता ही है अपना अस्तित्व समझ में आता ही है इसलिए प्रमाण जन चेत वृत्ति अभिव्यक्त संबित रूपा है ना जो संबित अभिव्यक्त होता है मतलब होते अविद्या कालुष्य रहित वो जो है जो चित्त वृत्ति है ना उसमें अभिव्यक्त होता है जो चेतन चाहे अविद्यात्मक वृत्ति हो चाहे विद्यात्मक वृत्ति हो चेतन की प्रकाश तो वहाँ पे है ही अब जब अविद्या से रहित हो जाता है जब अविद्या रहित मतलब चित्त में मैं पेन को जाना उसको छोड़ करके जब कैसे जाना उधर मन को धीरे धीरे बार बार अभ्यास करते करते कोई अनुभव ना आ जाता है अनुभव मतलब विषयात्मक नहीं परंतु समझ अनुभव हाँ समझ में आ जाता है इसको यहाँ पे ज्ञान शब्द के द्वारा बोला गया अब इस प्रकार की जो वस्तु है इसी को ही भगवान श्री कृष्ण वही संसार में जानने योग्य है जिसको विषय रूप में नहीं जाना जा सकता है अद्भुत बात है संसार में वही जानने योग्य वस्तु है जिसको विषय रूप में नहीं जाना जा सकता है जो जड़ात्मक वस्तु है उसको जानने योग्य नहीं है वो तो अपने में प्रकाशित हो रहे हैं इसलिए वो जानने योग्य नहीं है ये जो विषय रूप में नहीं जाना जा सकता है उसी को जानने का प्रयास करना वो वही ज्ञान है वही मतलब यथार्थ ज्ञान है इसीलिए बोलते हैं तदेव ज्ञेयम् ज्ञातुम् अर्हम् अज्ञातत्वात् कि वही हम नहीं जानते हैं बाकी जड़ वस्तु को तो हम जानते हैं जड़ आवृत नहीं है चेतन आवृत है इसलिए हम बोलते हैं अतएव तदेव ज्ञेयम् वो जो ज्ञान बुद्धि वृत्ति में अभिव्यक्त हो रहा है चेतन ज्ञातुम अर्ह वही जानने योग्य है क्यों अज्ञातत्व वो अज्ञात रहने के कारण जड़स्य अज्ञातत्व अभावेन जड़ अज्ञात नहीं है जड़ अज्ञात नहीं है इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है इसीलिए होते हैं जड़स्य अज्ञातत्व अभावेन ज्ञातुम अनर्हत्वा इसलिए संसार में जो है जड़ वस्तु जानने योग्य नहीं होता चेतन ही क्योंकि चेतन को जो विषय रूप में नहीं समझ पाते व्यक्ति जड़ वस्तु को तो किसी ना किसी माध्यम से जान ही लेगा हम जहाँ कहेंगे कुछ भी वस्तु है नहीं नहीं जाना दूसरा जाना पुस्तक के माध्यम जिसके माध्यम से हम जान लेते हैं परंतु जिसको नहीं जान पाते वही जानने योग्य वस्तु होते हैं कथम तरी सर्वे ना ज्ञायते यदि सभी के अंदर इस प्रकार से प्रकाशित होता है तो सभी व्यक्ति के द्वारा वो समझ में क्यों नहीं आता सभी प्रत्येक ज्ञान में बोध स्वरूप आत्मा का तो बोध हो ही रहा तो लोग वहाँ उसको समझ क्यों नहीं पाते इसलिए नहीं समझ उसके उत्तर बोलते कथम तरी सर्वे न तत्राह ज्ञानगम्यम ज्ञानगम्यम मतलब वो जो पहले 20 गुण को ज्ञान शब्द के तरह कहा गया है वो योग्यता हमारे अंदर आने पर तब हमको तत्व ज्ञान समझ में आता है इसलिए ज्ञानगम्यम पूर्वोक्तेन
अमानित्वादी ना, ठीक है ना, पहले अमानित्व अदापित्वांश शांति मार दिए जो बीज गुण फल दिया, पहले जो कथन करके अमान के अमानित्वादी ना तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनांति न, तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन भी जो बीज में बोला था, यहाँ से लेकर यहाँ तक साधन कलापे न, इस प्रकार साधन के द्वारा साध जब एक साधक पुष्ट हो जाता है उसी को जिसको ज्ञान शब्द के द्वारा कहा गया भगवान श्री कृष्ण बोला ज्ञान शब्द देना, ज्ञान शब्द देना गम्यम वो जाना जाता है मतलब प्राप्य न तो तद बिना उसके बिना ये होता नहीं है, इसीलिए ज्ञान गम्य इतना स्पष्ट वस्तु होते हुए भी वो पकड़ में नहीं आता है क्योंकि मन जो है मानित्व दाम्भित्व में लगा रहता है फल तो ये जब तक छूटे नहीं तब तक जो है हमें तत् संबंधित स्पष्ट बोध नहीं होता, परोक्ष ज्ञान तो होता है परोक्ष अनुभूति नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे तीन शब्द पड़े ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्य, ज्ञेय शब्द से लगता है तो यही तो ज्ञान गम्य है, ज्ञेय मतलब क्या जो ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, तो फिर ज्ञान गम्य क्यों बोला, ज्ञान के द्वारा जाना जाता है परंतु ये साधन के साथ मतलब एक उत्तम अधिकारी के द्वारा जाना जाता है, इसको लिए विषय रूप में तो नहीं जान सकता कथम तरी सर्वे न ज्ञान जाते सभी के द्वारा ये समझ में क्यों नहीं आता, तत्र आप उसको उत्तर में कहते हैं ये ज्ञान गम्य मतलब उस साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी ही इसको पूर्ण रूप से समझ पाते हैं, इसलिए ज्ञान गम्य ज्ञान शब्द के द्वारा कह देंगे यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति के साधन को ही भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान शब्द के द्वारा कहा था, इसलिए ज्ञान गम्य बोलते ज्ञान गम्य तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन ज्ञान मतलब पूर्वक तेन अमानित्वादीना तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन तेन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जिस श्लोक में भी साधना के बारे में साधना कलापे न मतलब समूह समूह न कलप समूह न जिसको भगवान श्री कृष्ण ज्ञान शब्द देते ना ज्ञान शब्द के द्वारा कह करके आए हैं ज्ञान शब्द देते ना उस वो हो गया ज्ञान ज्ञान गम्य गम्य मतलब प्राप्यम प्राप्य न तो तद बिना मतलब इस प्रकार योग्यता के बिना ये अनुभव में नहीं यदि कोई साधन के द्वारा यह प्राप्त करने योग्य होगा तो क्या देशांतर में कालांतर देशांतर हम तो कालांतर तो नहीं बोलेंगे अब देशांतर से प्राप्त होगा बोलते हैं नहीं जी देशांतर क्योंकि देश के द्वारा व्यवहित है यदि बाद में साधन ही ना गम्य चे मतलब किसी साधन के माध्यम से यदि प्राप्त करना होगा जैसे आपको गंगोत्री के मंदिर दर्शन करना है आपको क्या करना पड़ेगा कोई ना भी गरीब करना पड़ेगा मतलब साधन के द्वारा यदि कोई वस्तु को प्राप्त करता है वो आप व्यवधान में है व्यवधान में है वो व्यवधान आपका संस्कार जो हो सकता है विकार जो हो सकता है आपके हो सकता है किसी भी हो सकता है उत्पाद हो सकता है व्यवधान है मतलब सीधा नहीं है आपके पास परंतु क्या ऐसा है आत्मा ननु साधने न गम्यम से तत्किम देशांतर व्यवहित न इतिहास नहीं नहीं वो देशांतर व्यवहित नहीं है तो कहाँ है वो हृदि सर्वस्व विष्टितम हृदि सर्वस्व मतलब सर्वस्व मतलब प्राणी जातस्य हृदि मतलब क्या हो गया बुद्धो बुद्ध विष्टितम विशेष रूपेण स्थितम सर्वत्र सामान्य न स्थितम अपि हर जगह पे सामान्य रूप से विद्यमान है कि नहीं सूर्य की प्रकाश हर जगह पे सामान्य रूप से विद्यमान है परंतु दर्पण में पढ़ने से उसका चमक पूर्ण समझ में आता है चंद्र कोई सूर्य तंतु मणि आदि में वो जो है स्पष्ट समझ में आता है जो बोलते हैं सूर्य तंतु में बोले थे लेंस को बोलेगा जो सूर्य को आप एक जगह पे कंसंट्रेट करके जला सकते हैं उसको फैला सकते हैं इसलिए बोलते हैं हृदि सर्वस्व प्राणी जातस्य हृदि मतलब बुद्ध विष्टित मतलब सर्वत्र सामान्य स्थितम अभी हर जगह पे सामान्य रूप से विद्यमान रहते हुए भी विशेष रूपेण तत्र स्थितम मतलब अभिव्यक्तम है ना इसी प्रकार दर्पण में दीवार में भी आपका सूर्य प्रकाश है परंतु प्रतिफलित नहीं होता दर्पण में प्रतिफलित होता तो स्पष्ट समझ में आता है इसी प्रकार पूरा शरीर में वो शुद्ध चेतन तत्व व्याप विद्यमान है परंतु बुद्धि में स्वच्छता अधिक होने के जब हो जाता है तब वहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रतिफलित होता है तब समझ में आता है इसलिए हर जगह में होते हुए भी बुद्धि में समझ में आता है इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि सर्वत्र सामान्य स्थितम अपि विशेष रूपेण तत्र स्थितम विशेष रूप से बुद्धि में विद्यमान तो अभिव्यक्तम जीव रूपेण बुद्धि में किस रूप में अभिव्यक्त होते हैं तत्व जीव रूपेण अंतर्जामी रूपेण चौके द्वारा साक्षी रूपेण बुद्धि के अंदर ही विद्यमान है
एक ही चेतन तत्व, एक ही चेतन तत्व पूरे शरीर में विद्यमान है। अब अंतकरण प्रतिफलित हुआ, अंतकरण प्रतिफलित हुए जैसे ही वो इंद्रिय वृत्ति के साथ जुड़ जाते हैं तब उसको प्रमाता बोलते हैं, तब जीव रूप में दिखाई पड़ते हैं। जब उसको पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं तब वो साक्षी रूप में रहता है। और जब मन में कोई वृत्ति उठती है तब हम देखते हैं तो अंतर्जामी, एक ही चेतन तत्व मन में कोई वृत्ति उठे उसको देखने वाला उसको नियमन करने से वो अंतर्जामी रूप में विद्यमान। इसलिए बोलते हैं कि सर्वत्र सामान्य न स्थितम अपि विशेष रूपे न विशेष भाव से तत्रवत बुद्धो हृदि स्थितम अभिव्यक्तम, वहाँ पे रह करके अभिव्यक्त होता है। कैसे होता है? यहाँ पे जब जीव रूप में जब हम समझ रहे हैं अपने को उस समय क्या हो रहा है, वही चेतन तत्व जो मैं रूप में सशुद्ध मैं है उस शरीर अथवा बुद्धि अंतकरण से तादात्म्य करके उसको हम जीव समझ रहे हैं। जीव किसको बोलते हैं? जीव उसको बोलते हैं जो एक सुंदर श्लोक है, अंतकरण अंतकरण प्रतिफलित चेतन ये आकाश चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देहश्च यत पुनः चित छाया लिंग देहश्च तत्संगम जीवो उच्यते। जीव किसको बोलते हैं? चैतन्यम जब अधिष्ठान जैसे पूरा आकाश है इसी प्रकार एक चेतन तत्व है पूर्ण। फिर आकाश में घड़ा रख दो, घड़ा में पानी भर दो, तो आकाश में घड़ा किसमान शुद्ध व्यापक चेतन, ठीक है, और घड़ा के सामने आपका शरीर हो गया और घड़ा के अंदर पानी और शरीर के अंदर अंतकरण, ठीक है ना। अब इस प्रकार आकाश के अंदर घड़ा, घड़ा के अंदर पानी और उस पानी में आकाश का ही प्रतिफल, ठीक है ना, उसी पानी में इसी आकाश के जिस आकाश में वो विद्यमान है उसी आकाश का ही प्रतिफलन हो रहा है। किसमें? घड़ा। अब ये तीनों के संघात को मिला करके जीव बोला जाता है। इसीलिए जीव जिस समय मतलब जिस समय आप प्रतिफलित आकाश को घड़े में छोटे रूप में देख रहे हो उस समय आप बड़े आकाश में विद्यमान है। इस प्रकार बड़े आकाश में घरा वित्त चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देहस्य यत पुनः चिच्छाया चिच्छाया लिंग लिंगस्थ तत्संग जीव उच्यते। वो जो चिच्छाया अंतस्थ अंतस्थ ऐसा कुछ एक पद है, ये ज्ञान इसमें आया है पंचदशी में। पंचदशी कारण पर सुंदर जीव की परिभाषा दिया, उसमें ये कहना है आकाश, आकाश में घरा, घरा में उसी आकाश का प्रतिफल। तो क्या हो गया, इस तीनों के संघात को इस मिला भाव को जीव बोलते हैं। मतलब जिस समय आप आकाश को घड़ा में प्रतिफलित आकाश को परिच्छिन्न देख रहे हैं उस समय भी उस आकाश की व्यापकता विद्यमान है। ठीक इसी प्रकार शुद्ध आकाश के स्थान पर शुद्ध चेतन के साथ एक घड़ा के स्थान में हो गया स्थूल शरीर और उसके अंदर अंतकरण हो गया जल, उसी अंतकरण में इनको हमें प्रतिफलन अच्छा होता है तो शुद्ध चेतन का प्रतिफलन। अब शुद्ध चेतन के प्रतिफलन होने के कारण वहाँ पे अहंकार मैं भाव कर लेते हैं तो अपने को जीव भाव लगता है, परंतु जिस समय वो जीव भाव अपने को सोचता है उस समय व्यापक आकाश में विद्यमान है, आकाश का तो प्रतिचय होता नहीं। ठीक इसी में आगे बोलते हैं कि सामान्य तत्व स्थितम अभिव्यक्तम जीव रूपेण अंतर्यामी, जीव रूप में जब होगा तब क्या हो जाएगा वो इस संघात को पूरा मिल करके। इसीलिए तत्व से मतलब जिस समय तुम अपने को प्रतिफलित चेतन परिच्छिन्न प्रतिफलित चेतन मान रहे हो उस समय ही तुम व्यापक चेतन भी हो। कैसे हो? घड़ा को तोड़ दो, घड़ा को तोड़ दो तब क्या होगा, जो घड़ा के अंदर पानी भी फैल जाएगा और आकार जैसे तैसे कर लो। अब यहाँ पे उसको समझने के लिए घड़ा को तोड़ना मतलब विवेक पूर्वक शरीर से तादात्म्यता को छोड़ो, बस तुम अपने स्वरूप को अनुभव कर लोगे। इसी को बोलते हैं जीव रूपेण अंतर्जामी रूपेण च दृष्टांत का दे सौरम तेज इव आदर्श आदर्श सूर्यकांतादो। जिस प्रकार सूर्य की तेज दर्पण में अथवा सूर्यकांत मणि में बिल्कुल स्पष्ट रूप में चमक रूप में समझ में आता है, प्रतिफलित होता है, समझ में आता है, इसी प्रकार से ये शुद्ध चेतन अंतकरण बुद्धि रूप में हृदय सर्वस्व विष्ट नमस्कार कर रहे हैं, हृदय देश में पूर्ण रूप में समझ में आता है, इसलिए व्यवहित देश में नहीं है। परंतु अव्यवहित एवं मतलब आपसे दूर देश में नहीं रहते हुए ही अव्यवहित एवं व्यवहित मतलब दूर और अव्यवहित मतलब दूर में नहीं रह एवं मतलब दूर में नहीं रहते हुए ही वस्तुतः भ्रांत पारमार्थिक दृष्टि से दूर में कभी भी नहीं है आत्मा, क्योंकि
तद्विह अंतिक पहले बोल कर काया तदूर यह अंतिक दूर में भी है अंतिक में भी है। अज्ञानियों के लिए दूर है अज्ञानने वाले के लिए अंतिक में भी। इसलिए बोलते हैं वस्तु तो अव्यवहितम एवं पारमार्थिक दृष्टि से व्यवधान नहीं रहने पर भी भ्रांता व्यवहितम इव भ्रांति से वो दूर में है ऐसा प्रतीति होती है। सर्व भ्रम कारण अज्ञान निवृत्त प्राप्त होते इसलिए ये भ्रांति के कारण क्या है अज्ञान है ना। उस अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर वो प्राप्त हुआ जैसा नित्य प्राप्त वस्तु की प्राप्त हुई जैसी क्या लगेगा आत्मनित्य प्राप्त है हमेशा विद्यमान है प्राप्त आपको क्या लगेगा नया प्राप्त हो गया। तो जैसे उत्तिष्ठन आत्मा तो सततम प्राप्त अपि प्राप्तम अविद्या अभ्यक्त तन्नाशे प्राप्तवत भाति स्वकंठ आवरणम यथा ये है आत्मबोध में आया है। आत्मबोध में आत्मा तो सततम प्राप्त अभी प्राप्तम अप्राप्तम इव अविद्या अप्राप्तम इव अविद्या प्राप्त नहीं है जैसा अज्ञान के कारण लगते हैं। तन्नाशे प्राप्तवत भाति अज्ञान नाश होने पर वो प्राप्त हो गया जैसा दृष्टांत तो क्या दिया स्वकंठ आवरणम यथा गले में रहे भी हार हम दिन रात भर ढूंढते रहे अब गला नहीं पड़ा हुआ है किसी ने दिखा दे यही तो तुम्हारे गले का टावरण है यहीं पे है तो हाँ मिल गया क्या मिल गया तुम्हारा तो बस तो पहले से था वो तो समझ में आ गया बस इतना ही आत्मज्ञान इतना ही आत्मज्ञान। इसीलिए बोलते हैं कि अव्यवहितम एव वस्तु तो भ्रांता व्यवहितम एव सर्व ब्रह्म कारण अब समस्त भ्रम के कारण क्या है अज्ञान स्वरूप की अज्ञान निवृत्त हो निवृत्त हो जाने पर प्राप्यते मतलब आत्मा प्राप्त हो गया जैसा इति अर्थ ऐसा प्रत्येक इसका भी प्रत्यर्थ है। इस प्रकार से जो पहले प्रतिज्ञा के लिए बोलेंगे अब बोलते हैं अगला श्लोक को ले उक्तम क्षेत्रादिकम अधिकारिणम फलम च वदन उपसंहरति जो पहले कथा करके है क्षेत्र और ज्ञान ज्ञेय ये जो कथन करके है और उसका अधिकारी कौन है उसको कथन करते हुए और फलम च इसके फल को भी जो पहले कथन करके आया उसको बोलते हुए अब भगवान श्री कृष्ण इस प्रसंग का पहले प्रसंग का उपसंहार करते हैं। तो बोलते हैं इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चुक्तं समासतः ज्ञेयं चुक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते मद्भावायोपपद्यते इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार से अर्जुन मैं तुमको क्षेत्र के बारे में कह दिया तथा ज्ञान के बारे में भी कहा और ज्ञेय क्या वस्तु है संक्षेप में वो भी हमने बताया विस्तार से नहीं संक्षेप से है ना। इस प्रकार से क्षेत्र तथा ज्ञानम ज्ञेयम च समासत उक्तम ठीक है। इसको कौन जान पाएगा समझ पाएगा एक शब्द बोला भगवान ने मत भक्त अधिकारी निरूपण क्या करिए भगवत भक्त इसको समझ पाएगा है ना। और दूसरा व्यक्ति मत भक्त एतद् विज्ञाय मेरे भगवान के भक्त भगवान बोलते हैं मेरे भक्त इसको जान करके क्या होता है जान करके मद्भावाय उपपद्यते भगवत भाव में एक हो जाते भगवान के साथ एक हो जाते हैं। ये कई बार भगवान ये बोलते हैं देखो आप कोई कहते हैं हम भगवान बनना नहीं चाहते भगवान को जानना चाहते हैं भगवान को जानोगे तो भगवान का स्वरूप हो जाओगे। भक्त लोग कहते हैं कि हम चीनी का रस आस्वादन करना चाहते हैं चीनी नहीं बनना चाहते परंतु मजबूरी है ये यदि आप भगवत तत्व को जानोगे तो भगवान के साथ एक हो जाओगे। अब प्रश्न होता है चीनी तो अपना रस का आस्वादन नहीं कर पाता मिठापन तो हम भी भगवान के साथ एक हो जाएंगे तो भगवान के मधुर रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। अरे बाबा चीनी एक जड़ वस्तु है और तुम एक चेतन हो तुम अपने अपने स्वरूप का रस तुम खुद अपने आप आस्वादन कर पाओगे। चीनी अपना स्वरूप का मीठा रस आस्वादन नहीं कर पाता ठीक बोला आपने क्योंकि वो जड़ है और तुम चेतन हो
तुम्हारा अपना स्वरूप का रस आस्वादन निश्चित ही कर पाओगे, तो शास्त्र झूठा हो जाएगा। भक्ति रूप से यदि आप ऐसा कहोगे मैं उसका अस्वीकार नहीं करता, मैं उसको अनादर नहीं करता हूँ, परंतु वेदांतिक सिद्धांत पर भी आधार पूरा नहीं होगा। भक्त तो अपनी भाव से बोलते हैं कि हम भगवान के साथ लीला करते हैं, भगवान के साथ दास्य भाव में, साक्ष भाव में, वत्सल भाव में, कांतो भाव में भगवान के साथ व्यवहार करते हैं, कोई बात नहीं है, परंतु शांत भाव सबसे उत्तम है। भक्त लोग बोलेंगे कांतो भाव उत्तम है, मतलब भगवान के साथ जैसा गोपिकाओं का राधा का जो संबंध था सबसे उत्तम भाव है, परंतु जो शांत भाव है जो हमारा समक्ष संबंधन है क्या कम थे, वो शांत भाव में बैठे रहते हैं। तो जैसे भी है, जैसा जिसकी भगवान ने जिसके मन में जैसा जैसा वृत्ति देते हैं उसी पर उनके साथ हम इसको लेकर के हम विवाद नहीं करते, दोनों ही सही है जो जैसा चाहते हैं। तो मत भक्त इस प्रकार भगवान के जो भक्त होते हैं एतद विज्ञाय इसको समझ करके मत भावाय मत भगवत भाव को प्राप्त करने के लिए क्या हो जाता है, वो उपभक्तते मतलब उस मेरे को भाव को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाते हैं, है ना। इसके बिना भगवत तत्व को जाने बिना भगवान के साथ एक होना संभव नहीं है, जानने से एक हो जाते हैं। उसी को देखिए बोलते हैं उक्त क्षेत्राधिकम अधिकारिणम फलम च वदन, उक्त मतलब जो कह दिया क्षेत्राधिकम उसको और अधिकारी को और फल को, है ना। यह फल क्या है, मद भाव वर्धने, अधिकारी कौन है मद भक्त, है ना, और जो पहले कथन उसको जान करके जो है उसको उपसंहार करते हैं। इति इति मतलब अनेन पूर्वक्तेन प्रकारेण, है ना, इति मतलब ये जो पहले जिस प्रकार से भगवान ने कथन करके आया इस प्रकार से। इति क्षेत्र, क्षेत्र क्या है, मता महाभूतानि अहंकार बुद्धि दशेकानि इंद्रिय जो पंचस्य इंद्रिय गोचर इच्छा देश सुखम दुखम संघात चेतना धृति, यहाँ तक जो क्षेत्र को लेकर आता है। तो इसको बोलता है महाभूतादि धृत्यंतम, महाभूत से लेकर के धृति तक जितना बोल करके ये सब क्षेत्र को लेकर आता है। इति क्षेत्र तथा ज्ञानम, ज्ञान कहाँ से शुरू किया था, अमानित्वादि तत्व ज्ञानार्थ दर्शनंतम, ठीक है ना, इधर मतलब सातवां से लेकर ग्यारहवां श्लोक तक जितना बोला भगवान ने जो मतलब ज्ञान प्राप्ति के साधनों को, अमानितम दम्बित महिंसा शांति मार्जम आचार्य उपशनम शोचम स्थैर्यम आत्मा, यहाँ से लेकर के आपका तत्व ज्ञान अर्थ यहाँ तक तो हो गया, आपका क्षेत्र हो गया, ज्ञान हो गया। और ज्ञो कैसे बोल कर क्या, अनादिमत परम ब्रह्म न सत्य न सद उच्छते, ज्ञो को भी ऐसा बोल क्या कहें। तो इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम, ठीक है ना, ज्ञो क्या अनादिमत परम ब्रह्म हृदय सर्वस्व विश्वतम, यहाँ तक वहाँ से लेकर के ये जो लास्ट तक ये बोला था ना 17 नंबर मतलब 12 से लेकर 17 तक वो ज्ञेय वस्तु के बारे में वर्णन किया, ठीक है। तो क्षेत्र के बारे में वर्णन किया संक्षेप में, और ज्ञान के बारे में वर्णन किया, ज्ञान के साधन के बारे में वर्णन किया, और जो है ज्ञेय वस्तु के बारे में वर्णन किया 12 से लेकर के 17 तक। इसलिए बोलता है ज्ञेयम अनादिमत परम ब्रह्म हृदय सर्वस्व विश्वतम, यहाँ तक। तो ये तीनों को इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम श्रुतिभ्य स्मृतिभ्यश्च आकृष्य त्रयम अपि मंद बुद्धि अनुग्रहाय मया संक्षेपेण उक्तम, है ना। दूसरा श्रुति से स्मृति से इकट्ठा करके संक्षेप में मैंने अर्जुन तुमको ये बताया, क्यों कम बुद्धि वाले लोगों को ताकि समझ में आ जाए। इसलिए बोलते हैं श्रुतिभ्य श्रुतियों से पंचमी बहुवचन, स्मृतिभ्य चतुर्थी नहीं है पंचमी है, श्रुतियों से स्मृतियों से जो आकृष्ट वहाँ से उठा करके त्रयम अपि, तीन कौन कौन है यहाँ पे, क्षेत्रम ज्ञानम ज्ञेयम, ये तीनों को मंद बुद्धि अनुग्रहाय कम बुद्धि वाले अधिकारी को ताकि समझ में आ जाए मया मेरे द्वारा संक्षेप न उत्तम, संक्षेप में कहा गया है। एतावान एव हि सर्व वेद अर्थ गीतार्थश्च, समस्त वेदों में समस्त गीताओं बस इतना ही, तो इसका ही तो कथन किया है, समस्त गीता में अथवा समस्त वेदों में इसी का ही कथन है, इससे बाहर कुछ कथन नहीं कर सकते। जो भी कुछ कथन करते हैं विषय संबंधित तो क्षेत्र कोटि में आता है, ठीक है, नहीं जो भी कुछ आप विषय संबंधित कथन करेंगे क्षेत्र कोटि में आ जाएगा। और जो है इस क्षेत्र सब कुछ साधन के बारे में वर्णन करते हैं, और कुछ जानने योग्य वस्तु, जानने योग्य वस्तु के यही वर्णन करते हैं। तो ज्ञान
ज्ञेय और क्षेत्र, इसका वर्णन सारा जीव जगत और जगदीश यही तो इसके बारे में सारा शास्त्र इसका वर्णन करते हैं। जीव अपने जगदीश स्वरूप को समझे कैसे, कोई साधन नहीं आ रही। मंद बुद्धि अनुग्रहाय, मंद बुद्धि को अनुग्रह करने के लिए माया संक्षेपे न उक्तम एतावान ही सर्व वेदार्थ गीतार्थस्य, यही जो है संपूर्ण वेदों के विषय है और गीता का भी विषय यही है। पंद्रह नंबर अध्याय के क्या बोलते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नः, ये सबसे गोपनीय शास्त्र एक ही अध्याय भगवान ने बोल दिया ना, पूरा वेदार्थ भी है गीतार्थ भी, उसी में पंचदश अध्याय में उसके यहाँ पे संक्षेप में आधा श्लोक में बताया गीतार्थ से। अस्मिंश्च पूर्व अध्याय उक्त लक्षण मद भक्त एव अधिकारी इति आह, और इस अध्याय में अस्मिंश्च पूर्व अध्याय उक्त, इसका पहले अध्याय में मतलब इसके पहले द्वादश अध्याय भक्त, भक्त का लक्षण बताए वहाँ पे, इस प्रकार लक्षण के तरह लक्षित जो भक्त है ना वो इसके लिए अधिकारी है। इसके पहले आता है द्वादश अध्याय, द्वादश अध्याय में भगवान भक्तों के लक्षण बताए, इसलिए बोलते हैं अस्मिंश्च, ये जो मद भक्त शब्द बोला पूर्व अध्याय उक्त लक्षण मद भक्त, पहला अध्याय में कहा गया है भक्तों के लक्षण, उस लक्षण के तरह लक्षित होता है जो भगवान के भक्त लग एवं अधिकारी, इस विषय में अधिकारी है मतलब इस तत्व को जान सकते हैं। इस अध्याय में भगवान ने ज्ञेय तत्व को जानने के लिए कहा, उसके लिए अधिकारी है मद भक्त। मद भक्त के लक्षण क्या कहा, द्वादश अध्याय में क्या क्या कहा, इसीलिए मद भक्त मैं मद भक्त मई भगवती वासुदेवे परम गुरु समर्पित सर्वात्म भाव मदेक शरण स एत यथक्तम क्षेत्र ज्ञानम ज्ञेयम च विज्ञाय विवेकेन विदिता मद भावाय सर्व अनर्थ शून्य परमानंद भावाय मोक्षाय उपपद्यते। ठीक है, उपपद्यते मोक्ष प्राप्तो योग्य भवति। ठीक है, आप देखिए इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे कि मद भक्त का अर्थ करता है मधुसूदन, तो जगह मिल गया उनको, मई मुझ में मैं कौन हूँ, भगवान भगवती वासुदेव जो वासयति सर्वं शस्मिन् इति वासुदेव, जो सबको अपने में बैठाते हैं वो हो गया वासुदेव, वासयति सर्वं शस्मिन् इति वासुदेव, अथवा वसुदेवस्य पुत्र वासुदेव जो जैसे अर्थ करेंगे वेदांतिक वासुदेव मतलब वासयति शस्मिन् सर्वं, मई भगवती वासुदेव यार मैं कौन हूँ, पूर्वेशमपि गुरु कालेन अनवच्छेदा, ईश्वर के एक अन्न पुरुष समझ करके योग दर्शन में फिर ईश्वर का परिभाषा दिया, पूर्वेशमपि गुरु कालेन अनवच्छेदा, समस्त गुरुओं का भी जो गुरु है क्यों, क्योंकि वो काल के तरह कभी परिच्छेद नहीं होता, ये ईश्वर है, इसलिए बोलते हैं परम गुरु। तो कि सब शब्द में एक वचन है मई भगवती वासुदेवे परम गुरु, सब शब्द इस मुझ में, इस प्रकार के मुझ में समर्पित सर्वात्म भाव है ना, उसने क्या किया सारा कुछ आत्मभाव से समर्पित कर दिया, समर्पित सर्वात्म भाव है ना, ये मद भक्त प्रथम एक वचन है, ये बहुत मद भक्त का विशेषण है समर्पित सर्वात्म, हर प्रकार से हर दृष्टि से भगवान के कुछ समर्पण मतलब मद एक शरण, बस भगवान बिना और कुछ भी उनके आश्रय शरण चिंता में नहीं है, मद एक शरण, ये सब मद भक्त का विशेषण है समर्पित सर्वात्म भाव मद एक शरण सब, वो व्यक्ति यथक्तम वो व्यक्ति इस प्रकार जिसको हमने कहा यथक्तम क्षेत्र ज्ञानम ज्ञेयम च है ना, क्षेत्रों की अवस्थु है ज्ञान की अवस्थु है ज्ञ की अवस्थु है विज्ञाय मद भक्त एतद विज्ञाय, देखिए विज्ञान शब्द का क्या अर्थ करते हैं विवेकेन विदित्वा है ना, विवेकेन विवेक पूर्वक उसको समझ करके फिर क्या होता है मद भावाय, भगवान की भाव क्या है बोलते हो सर्व अनर्थ शून्य परमानंद भावाय है ना, दो चीज है यहाँ पे आत्यंतिक दुख निवृत्ति और निरतिशय आनंद की प्राप्ति, देखिए एक शब्द में कितना सुंदर है हम तो संक्षेप है ना, आत्यंतिक दुख निवृत्ति और निरतिशय आनंद की प्राप्ति से होता है सर्व अनर्थ शून्य मतलब आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद बहुत निरतिशय आनंद उसको प्राप्ति से भावाय, इस भाव के लिए इसको हम मोक्ष बोलते हैं वेदांत में, मोक्ष की यही है लोक गमन, स्वर्ग लोक गमन अथवा ब्रह्म लोक गमन को वेदांत मोक्ष नहीं मानते,
आत्मभाव में व्यापकता के साथ एक हो जाना, इसको मुक्ति मानते हैं। इसलिए ये व्यक्ति मोक्षाय मुक्ति के लिए उपपद्यते, मतलब समर्थ बन जाता है मुक्ति प्राप्ति के लिए। अर्थ लिखते हैं मोक्ष प्राप्त योग्य भवति, मोक्ष प्राप्ति के लिए योग्य हो जाते हैं। केवल यही नहीं कहा, श्वेतसूत्र उपनिषद में भी ऐसा ही कहा, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मना। जिसका षष्ठी एक वचन है, जिसका परम देवता मतलब ईश्वर में देवी मतलब जिस क्षेत्र ऋषि ने जिसका प्रतिपादन किया उसके संबंध में उस आत्मा को जो क्षेत्र परिषद में पहले ऐसे प्रश्न उठाए कि पहला था मतलब ये संसार किसके ऊपर टिका हुआ है, उसको प्रतिपादन करते हुए जिस तत्व का प्रतिपादन किया उसी के यहाँ पे देव शब्द की तरह कहा जाए। जिस व्यक्ति का उस परम देवता में, देवता मतलब देवी देवता नहीं है, परम देवता, उस देवता में पराभक्ति, सामान्य भक्ति नहीं है, परम भक्ति है, निर्दिष्ट है प्रेम अनंत। पराभक्ति मतलब भिन्न रूप से नहीं है, अभिन्न रूप से, जैसा उस देवता में जैसा उस आत्मा में तथा गुरु मतलब जिसके मुख से ये वाणी को सुना उसके शब्द के ऊपर उतना विश्वास उतना भक्ति। जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य उस व्यक्ति का एते कथिता अर्था है ना, ये महात्मन षष्ठी है। तस्य महात्मन उस महान आत्मा का पास क्या होता है, एते कथिता अर्था प्रकाशन्ते, उसके सामने जिस इस शब्द को जो कहा गया क्षेत्र ज्ञेय ज्ञान उसके सामने ये चीज प्रकाशित होता है। किसके सामने, जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिसको इस आत्मनिष्ठता है और इस जैसा ये आत्मनिष्ठता आपके अंदर आएगा, जैसा यदि आपको गुरु के प्रति जिसके मुँह से आप सुन रहे जिस विषय को सुन रहे उसके प्रति आपकी श्रद्धा और निष्ठा हो तो ये अपने आप अभिव्यक्त होगा। देखो हम लोग जानते हैं एकलव्य नाम की एक जो है योद्धा हुई, उनको द्रोणाचार्य ने जो है नहीं सिखाऊंगा निश्चित कर दिए थे, परंतु उन्हीं का मूर्ति बना करके ऐसा धनुर्विद्या सीखा कि अर्जुन से भी अच्छा धनुर्धारी थे, परंतु फिर गुरु दक्षिणा के लिए फिर अपने कुल काट के दे भी दिया। क्या सोचे मतलब कि ये जो है ये केवल अपनी निष्ठा से ये चीज अभिव्यक्त होता है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिस व्यक्ति के अंदर देवता के प्रति या जितना देवता के प्रति मतलब आत्मा के प्रति उतना ही गुरु के प्रति जिसका परम भक्ति है उसके तस्य महात्मन उस महात्मा के प्रति ही एते कथिता अर्थ ही मतलब यहाँ भी उनके पास ही मतलब उनके उसके सम्मुख से ये सारा वस्तु प्रकाशित होते हैं अभिप्रकृति श्रुते। इसलिए क्या करना चाहिए, तस्मा सर्वदा मदेक शरण सन, बस भगवान ही मेरा एकमात्र अवलंबन है, इस भाव को मन में दृढ़ करके तस्मा सर्वदा मद एक शरण सन, इसलिए अर्जुन हमेशा भगवान ही मेरा एकमात्र अवलंबन है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। बाहर कुछ भी वस्तु देखता है मिलता है परंतु वो भी भगवान का ही रूप समझना अथवा उसका स्थूल रूप को हमारे लिए मन में उतना दाग नहीं होना चाहिए, भगवान ही जो है इस रूप में आकर के हमको मदद करते हैं। सन आत्मज्ञान साधना एव, आत्मज्ञान के लिए जो साधन का क्या कहा, अमानित तो अदम भित्वादि, उस साधन वही परम पुरुषार्थ लिप्सु, परम पुरुषार्थ प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति अनुवर्तित उसके अभ्यास करना चाहिए, उसकी अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, बुद्ध संसद इसलिए बोलते हैं तस्मात सर्वदा मदेक शरण सन, एकमात्र भगवान का शरणान अपन्न हो करके आत्मज्ञान की जो साधन के बारे में भगवान यहाँ पे बताया तमान तम अदम्य, उस साधन में लग जाना चाहिए। परमार्थ परम पुरुषार्थ लिप्सु और साधनानि एव अनुवर्तेत, उस साधनों की अनुवर्तन मतलब अभ्यास करें। वो कब होगा, देखो मैं बोला कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो उसके साथ उसमें क्या करना है क्या नहीं करना वो भी ध्यान देना है, क्या नहीं करना है, तुच्छ विषय भोग स्पृह हित्वा, तुच्छ भोग विषय स्पृह हित्वा परम पुरुषार्थ साधनानि है ना उसका अनुवर्तित इति अभिप्राय, उसको अनुवर्तन करना चाहिए, ये इसके अभिप्राय है। अब तो क्या हुआ,
अब एक नया चीज लाने जा रहे हैं ना, अब बोल रहे तद अनेन ग्रंथेन तत् क्षेत्रम जत्र जादृक्ष इति एतद् व्याख्यातम्। ठीक है, जो भगवान क्या प्रतिज्ञा कर कहते हैं, तत्क्षेत्र जत्र जात्रिक जद विकारी जत सजत। अब इसमें तत्क्षेत्र जत्र जात्रिक यहाँ तक का कथन हो गया। चल इति एतद् व्याख्यान, अभी बचा क्या, इदानी जद विकारी जत सजत, जिसका विकार है वो, और किससे क्या, जिससे जो वस्तु उत्पन्न हो उसका भी कहना है। ये हो गया आपका प्रकृति के बारे में, और दूसरा क्या पुरुष, मतलब एक हो गया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। तो यहाँ पे जो सच जो जत प्रभाव, और वो देखिए वो जो पुरुष जो वो जिस प्रभाव वाला है प्रभावश्च इति एतत् एतावत् व्याख्यातव्य। अब यहाँ तक पर्यंत तो व्याख्या करना बचा हुआ है, वो कहेंगे अभी। जत विकारी जतश्च जत इदानी जत विकारी जतश्च जत उस श्लोक का तीन पद का एक पद हुआ, तत्क्षेत्र जत्र जाद्री ये एक पद है, जत विकारी जतस्य जत दूसरा पद है, सच जो जत प्रभावस्य ये तीसरा पद हो गया, तत् समासेन मे श्रेणु ये चौथा पद हो गया। तो एक पद का कथन हो गया, बाकी दो पद का कथन करने के लिए अगला ग्रंथ हमारा है। इसलिए बोलते हैं सच जो जत प्रभावस्य इति एतावत् व्याख्यातव्यम्, यहाँ तक की व्याख्या करने बचा हुआ है, इसलिए अगला ग्रंथ शुरू होता है। तत्र प्रकृति पुरुषयोर संसार हेतुतम कथनेन जत विकारी जतश्च जत इति प्रकृति इत्यादि दाभ्यां प्रपंचते। अब यहाँ पे जो जितना हिस्सा बचा हुआ है, उस बचा हुआ हिस्सा में जो जत विकारी जतश्च जत इसको कथन करने के लिए दो श्लोक बोल रहे हैं। दो श्लोक कौन सा है, 19 और 20। इसलिए बोलते हैं तत्र प्रकृति पुरुषयोर संसार हेतु तक, ये पूरा के पूरा सृष्टि के कारण कौन है, प्रकृति और पुरुष, पराप्रकृति और पराप्रकृति, प्रकृति का दो अंग है। 7 नंबर अध्याय में बोल कर कहता है पराप्रकृति अष्टधर मेरा प्रकृति भूमि पंडलो वायु खम मनो बुद्धि अहंकार भिन्न प्रकृति अष्टधर फिर इतस्त भिन्न एक पराप्रकृति जीव भूता महामाय या एकदम धारियते जगत जीव भूत एक पराप्रकृति है जिसका हम संसार को धारण करते हैं। ये जो प्रकृति है पुरुष के बारे में वहाँ पे पराप्रकृति अपराप्रकृति के बारे में कथन करके आए थे, तो उसी को वही संसार के लिए कारण है। तत्र प्रकृति पुरुष संसार हेतुत्तम कथन है ना, कथन के द्वारा जत विकारी जतश्च जत वो किसका विकार है और किससे क्या आता है, इति प्रकृति इत्यादि मुझे प्रकृति पुरुषम चेव, इस प्रकार से दो श्लोक के माध्यम से उसको विस्तार करते प्रपंचते। ठीक है, अब श्लोक में आ जाइए। प्रकृति पुरुषम चैव प्रकृति पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि विद्यानादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् विद्धि प्रकृति संभवान् प्रकृति च संचैव विद्यानादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। बोल रहे हैं प्रकृति पुरुषम च, प्रकृति और पुरुष जिसको वहाँ पे अपरा प्रकृति और परा प्रकृति पहले बोल करके, उभवपि ये दोनों ही अनादि विद्धि, ये दोनों ही अनादि है ऐसा समझो, दोनों ही अनादि है ऐसा समझो। और विकारांश्च गुणांश्च जितना विकार है और जो गुण है वो क्या होता है, प्रकृति संभवान विद्धि वो प्रकृति से उत्पन्न होता है ऐसा भी जान, ये भी जानो। परमात्मा को यहाँ पे प्रकृति पुरुष बोलेंगे, क्योंकि परमात्मा को परम रूप में भी बोलेंगे और परमात्मा को सृष्टिकर्ता के रूप में भी बोलेंगे, क्षेत्र के रूप में बोलेंगे। प्रकृति पुरुषम च उभौ अपि अनादि विद्धि, विद्धानादि उभौ अपि, दो बार विद्धि इसको जानो, इसको ठीक से समझो। और विकारान गुणांश्चैव, समस्त विकारों को प्रकृति और गुणों को भी एवं वो कहाँ से आ जाता है, वो प्रकृति संभवान। देखो द्वितीय बहुवचन है,
प्रकृति संभवान विकारान गुणान शैव विद्धि प्रकृति से उत्पन्न द्वितीय बहुवचन प्रकृति संभवान विकारान गुणान शैव ये भी शब्द है इसको भी जानो अर्थात प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि इस प्रकार से समझना और जितना विकार समूह है गुणों का परिणाम है ये सब प्रकृति में है पुरुष में नहीं है ये भी समझना पुरुष के सान्निध्य में दिखाई तो पड़ता है परंतु ये पुरुष में नहीं है ये समझना अब देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि स च यो यत् प्रभावश्च इति पुरुष इत्यादि दाभ्याम विवेक ये देखिए यहाँ पे इसके बाद जो दो श्लोक आ गया प्रकृति पुरुषम च विद्धान अनुभव अपनी और कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुख का नाम भोग्यत्व ये जो है प्रकृति के बारे में कथन करेंगे और उसके बाद पुरुष प्रकृति भूमते प्रकृति ज्ञान गुणा वो जो है ये जो लास्ट श्लोक के तृतीय पाद है स च जो यत् प्रभावश्च है ना इसका पद इसको इति तो पुरुष इत्यादि दाभ्याम विवेको अब दो श्लोक के द्वारा उसके बारे में कथन करेंगे ठीक है तो यहाँ पे जो है जो पहला श्लोक में प्रतिज्ञा कर आया था मैं बोलूँगा उसी को बोलने के लिए पहले जो है क्या बोला वहाँ पे कि जब जत विकारी जत सजत ये हो जाएगा आपका इन दोनों का श्लोक का 19 और 20 और सच जो जत प्रभावश ये हो जाएगा आपका पुरुष संबंधित कथन इसको लेकर के बोलने के बाद आप शुरू करते हैं कि सच जो जत प्रभावश इति तू क्यों बोल रहे कि प्रकृति और पुरुष में बिल्कुल विलक्षणता है इसको समझ तू इत्यादि इत्यादि दाभ्याम इति विवेक अगले के दो श्लोक के माध्यम से ये कहेंगे इस प्रकार से यहाँ पे विचार पूर्वक समझ लेना चाहिए अब क्या किया तत्र सप्तमे ईश्वरस्य द्वे प्रकृति परापरे क्षेत्र क्षेत्र का लक्षण उपन्यस्य एतत् योनिनि भूतानि इति उक्तम अब सप्तम अध्याय में शुरू में देखिए हमको लगता है सातवां या आठवां श्लोक होगा सप्तम अध्याय में देखिए सातवां और आठवां श्लोक को भूमि रापनलो वायु खम मम बुद्धि रेव जो अहंकार मिति अव्य भिन्न प्रकृति रष्ट था नहीं भूमि रापनलो वायु खम मम बुद्धि रेव जो अहंकार इति अव्य भिन्न प्रकृति रष्ट था अपरयमितस्तन्न प्रकृतिं विद्धिमेव न जीवभूत महाबाहो जायेदं धारयति जगत् सप्तम अध्याय का श्लोक पांचवा ठीक है पांचवा या छठा होगा ठीक है दो श्लोक है पांच अच्छा है ना हाँ भूमि रापो नलो वायु खम मानो बुद्धि रेव जो चार पांच अच्छा ठीक है तो चार और पांच पे जो बोल कर गया सप्तमे ईश्वरस्य देव प्रकृति है ना परमात्मा की दो प्रकृति है ठीक है ना इसलिए पुरुष शब्दों के द्वारा आप देखो परा एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति परा परे द्विवचन है प्रकृति द्वे प्रकृति परा परे उसको किस शब्द के द्वारा वहाँ पे एक जो अपरा प्रकृति है जो भूमि रापना लो वायु खम मन ये जो हो गया अपरा प्रकृति इसको तो क्षेत्र शब्द में कहा गया है इसलिए हो गया क्षेत्र है ना और एक हो गया क्षेत्रज्ञ परंतु वहाँ पे क्या बोला क्षेत्रज्ञ को जीव रूप में जीव भूता महाउजा ये रंग धरा था परंतु क्षेत्रज्ञ में दोनों ही आता है जीव की जीव स्वरूप और जीव की पारमार्थिक स्वरूप क्षेत्रज्ञ लक्षण उपन्यस्य उसको वहाँ पे भूमिका के रूप में कथन करके एतद् योनिनि भूतानि समस्त भूतों की उत्पत्ति के पीछे यही दोनों योनि मतलब कारण एतद् योनिनि भूतानि है ना समस्त भूतों की उत्पत्ति के लिए यही कारण है इति उक्तम ऐसा कहा गया है ठीक है ये आपको आगे पीछे समझ में नहीं आने से लगेगा कि नया नया चीज बोल नया नया नहीं बोल रहे जो बोल करके आया उसी को संदर्भ में लेकर तत्र अपरा प्रकृति क्षेत्र लक्षण एक परा प्रकृति बोला एक अपरा प्रकृति बोला अब इन दोनों में परा प्रकृति जो वहाँ पे कहेगा एक अपरा प्रकृति बोल कर गया वो हो गया क्षेत्र के शब्द के द्वारा यहाँ पे लक्षित होता है और परा तो जीव लक्षण थी और परा प्रकृति मतलब जो जीव रूप में यहाँ पे लक्षित होता है तयोर अनादित्तम उक्ता पद दोनों यहाँ पे प्रकृति पुरुषम जैव विद्या अनादि उभौ अपि दोनों ही अनादि है प्रकृति भी अनादि है पुरुष भी अनादि मतलब जिसके पहले उसके पीछे कोई वस्तु नहीं दिखता जिसके पहले कोई वस्तु नहीं दिखता उसको अनादि कहते हैं इसे बताए तय और अनादित्तम उक्ता
तब उभय जनितम भूताना भी दो इस प्रकार से दोनों ही जो है भूतों की उत्पत्ति के लिए कारण बनते हैं ऐसा कहा जाता है। प्रकृति माया का ये प्रकृति क्या वस्तु है? प्रकृति जिसको माया शब्द के द्वारा भी कहते हैं त्रिगुणात्मिका परमेश्वरी शक्ति क्षेत्र लक्षण जा प्राग अपरा प्रकृति इति उक्ता। यहाँ पे जिसको प्रकृति शब्द के द्वारा कहा गया है वो प्रकृति मतलब जिसको वेदांत में माया शब्द के द्वारा भी बोलते हैं वो त्रिगुणात्मिका है, वो परमेश्वर की एक शक्ति है ना, परमेश्वरी शक्ति। और जिसको यहाँ पे क्षेत्र शब्द के द्वारा लक्षित किया गया है क्षेत्र लक्षण जा प्राग अपरा प्रकृति जिसको पहले अपरा प्रकृति के द्वारा कहा गया है जा तू परा प्रकृति। और जो एक परा प्रकृति है जीवाख्या जिसको जीव नाम से कहा गया प्रागुक्ता स यह पुरुष है उसी के यहाँ पे पुरुष शब्द के द्वारा कहा गया इति पूर्वापर न विरोध न पूर्वापर विरोध। इसलिए यहाँ पे पूर्वापर में कोई विरोध नहीं हुआ मतलब पहले जिसको परा प्रकृति और अपरा प्रकृति कहकर के आए थे अपरा प्रकृति के द्वारा प्रकृति को यहाँ पे प्रकृति को और परा प्रकृति के द्वारा यहाँ पे पुरुष मतलब जीव जो आप कहकर के आते हैं उसको कथन करते हैं। इसलिए पूर्वापर विरोध नहीं है। इन दोनों को ही प्रकृति पुरुषम च उभौ अपि अनादि एव विद्धि तो दोनों ही अनादि अनादि मतलब ना विद्यते आदि कारणम ययो जिसके पीछे कोई कारण नहीं होता है ना जिस जो किसी से उत्पन्न नहीं होता ना उसको अनादि बोलते हैं। बड़े मजे से जो है ना इसका खंडन करते बोलते हैं मतलब तुम बोलते हो ये जो सृष्टि अनादि है सृष्टि हुई कैसे जीव की कर्म से है ना तो कर्म उत्पत्ति होते दिखाई पड़ते हैं कि नहीं कर्म होते हुए दिखाई पड़ते हैं आप और जीव की उत्पत्ति दिखाई पड़ते हैं। तो जब सृष्टि को आप अनादि बोल रहे हो इस प्रकार गंगा की धारा को आप अनादि बोल रहे हो परंतु इसकी जो दो धाराएं हैं मतलब एक है संतान और एक है संतति जिसके द्वारा संतान बनते हैं कंटिन्यू बनते हैं परंतु दोनों संतति जिसके द्वारा इस सृष्टि की संतान बोल रहे हो दोनों की उत्पत्ति दिखाई देता कि नहीं देता देता है तभी अनादि कैसे होगा। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर यही तो सृष्टि है यही तो संसार है शरीर से कर्म से शरीर आप दोनों को वर्तमान में हमें उत्पत्ति होते दिखाई पड़ते हैं कितना भी पीछे चले जाओगे ये अनादि दिखाई आपको आदि दिखाई देगा। इसीलिए ये अनादि तो आप नहीं कह सकते हैं हमारी मान्यता देकर के हम बोलते हैं समझाने के लिए ये मन हम लोग को कार्यकार कर इसको खंडन करते हैं। इधर कहते हो कि प्रकृति जो है अनादि है उससे और उसी प्रकृति से तुम सृष्टि मानते हो तो अनादि कैसे होता हो जात के अजात कैसे होता जात हो गया प्रकृति से उत्पत्ति हुआ अहम तत्व महत्त्व प्रकृति अहम तत्व रूप में महत्त्व रूप में उत्पन्न होता है। इधर कहते हो अजात अज है ये सब कथन जो है मंडू को कार्य करते बहुत अच्छा खबर लेते हैं इन लोगों को प्रकृति पुरुषम जैव उभौ अनादि एव विद्धि अनादि मतलब न विद्यते आदि कारणम जयो इन दोनों का कोई आदि कारण नहीं होता उन दोनों तो उभौ अपि अनादि विद्धि तथा प्रकृति ही अनादित्व सर्व जगत कारणत्व क्योंकि प्रकृति अनादि क्यों है संपूर्ण जगत का कारण होने से तस्यापि कारण सापेक्षत्व अनवस्था प्रसिद्धि उसको भी यदि किसी कारण से बनता होता तब क्या होता अनावस्था दोष आता है। इसलिए एक जगह पे आकर के ये मानना पड़ता है उसका कोई आदि नहीं है। पुरुषस्य अनादित्वं तद् धर्माधर्म प्रयुक्तत्वात् कृच्छनस्य जगत हर्ष शोक भय संप्रतिपत्ति पुरुष अनादि क्यों मान रहा है बोलता है उसी का धर्माधर्म आदि से प्रयुक्त होकर के सृष्टि होता है। और सृष्टि जब अनादिकाल से चलता रहा प्रकृति काम करेगी यानी धर्माधर्म पहले होगा इसलिए बोलते हैं पुरुषस्य अनादित्वं तद् धर्माधर्म प्रयुक्तत्व पुरुष की जो धर्माधर्मों से प्रेरित होकर के सृष्टि होती है। कृष्णस्य जगत ये संपूर्ण जगत उसी के धर्माधर्म से ही बनता है इसलिए हर्ष शोक भय मतलब सत्य रज और तम इसके द्वारा प्रसिद्ध होकर के संप्रतिपत्ति ये संभव रूप से समझा जाता है ये संभव रूप से समझा जाता है। समय हो गया जो कल करते हैं प्रकृति का अनादित्व क्यों है ये कहने के बाद अब पुरुष की अनादित्व क्यों है कि प्रकृति को सृष्टि करने के लिए कुछ हेतु चाहिए वो क्या है पुरुष जीव की धर्माधर्म
तो यदि जीव नहीं होगा तो जीव धर्म धर्म कैसे रहेगा। इसीलिए प्रकृति यदि अनादि है, मतलब सृष्टि यदि अनादि है, तो सृष्टि जिस कारण से उसको अनादि मानना पड़ेगा, इसीलिए पुरुष को अनादि मानना। परंतु वेदांतिक पारमार्थिक सिद्धांत क्या है, सृष्टि होना संभव नहीं है, कल्पना है। ये बात ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वंशी विदूषितकरान् नवनीलनाभान् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुंदरमुखा दर्वींद्रनेत्रा कृष्णांबरं किमपि तत्तमहं न जाने। श्री सच्चिदानंद